नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया जस 2024 का उद्घाटन, कहा राज्य सरकार के प्रयासों से और सुगम होगा रत्न आभूषणों का व्यापार। 66,000 राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को हुआ पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण, राज्य स्तरीय समारोह को शिक्षा मंत्री ने किया संबोधित। प्रदेश में हुई भारी बारिश को लेकर मुख्य सचिव ने की राहत कार्यों की समीक्षा, फील्ड ऑफिसर्स को दिए अलर्ट पर रहने के निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गुलाबी शहर जयपुर रत्न आभूषणों के लिए विश्व पटल पर विख्यात है। जेम्स ज्वेलरी बिजनेस राज्य की आर्थिक प्रगति में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, साथ ही रोजगार सृजन का भी मुख्य साधन है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस उद्योग को बढ़ावा देने और उद्यमियों के लिए व्यापार को सुगम बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री आज सीतापुरा स्थित JCC में आयोजित जस 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जयपुर में रत्न और आभूषणों को चिन्हित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार इस क्षेत्र को और विकसित बनाने के लिए कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जाएगा, जिससे 1,00,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि रत्न आभूषणों से जुड़े व्यवसायियों को कारीगरों की सुविधा और उनकी आर्थिक प्रगति के बारे में भी विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कारीगरों के प्रशिक्षण और नवीनतम तकनीक तथा शोध को बढ़ावा देने की जरूरत है। एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत जयपुर में रत्न आभूषणों को चिन्हित किया गया है। हमने जहाँ सभी जिलों में हम अभी देख रहे हैं कि कौन से जिले में क्या उत्पादन होता है, उसको अलग उस जिले में बढ़ाते हुए उसको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, मैं आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये उद्योग बहुत बड़ा है और उद्योग बड़ा है, ये उद्योग दुनिया में भी जाने वाला है, ये राजस्थान की और जयपुर की पहचान भी बनाने वाला है। हम आपको जो आप चाहेंगे वो हम करेंगे। हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है, आपके उद्योग के साथ है, लेकिन हम आपसे इतना चाहते हैं कि आने वाले समय में अब इस उद्योग को बढ़ाना है, क्योंकि ये ऐसा उद्योग है, ये हमारे पर्यटन से जुड़ा हुआ भी है। राजस्थान के अंदर आने वाला पर्यटन, जब हमारे ये उद्योग विकसित होगा तो वो निश्चित रूप से आएगा। और ये मार्केट जब डेवलप होता है तो मार्केट में ये नहीं कि एक दुकान दो दुकान चार दुकान यही चलनी चाहिए। अगर आपकी 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 दुकान भी होंगे तो मार्केट भी उतना ही चलता है। प्रदेश में हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आभूषण क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को व्यापार करने में आसानी हो, ताकि इस क्षेत्र से जुड़े सभी उद्योग ईमानदारी और कुशलता से अपना व्यवसाय कर सके। हमारी केंद्र की सरकार के साथ मिलकर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित कर 1,00,000 लोगों को रोजगार अथवा स्वरोजगार प्रदान करने का संकल्प लिया है। आभूषण क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जरूरी है कि हमें अपने कारीगरों को मजबूत बनाना होगा। इस क्षेत्र में शोध एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देना होगा। इसमें क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं? हमारा ये आभूषण परंपरागत है, लेकिन नई तकनीकी इसमें क्या आ सकती है, इसको और हम बढ़ाने का काम करें। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश की 66,000 राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को जुलाई के पहले सप्ताह में पुस्तकें उपलब्ध करवाने से निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का वास्तविक उद्देश्य सार्थक होगा। शिक्षा मंत्री ने आज जयपुर के मानसरोवर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह में शिरकत की। उन्होंने शिक्षा सत्र के शुरुआत में ही पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की सराहना की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में आज निशुल्क पुस्तक वितरण कार्यक्रम हुए हैं। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने विद्यालय के उत्कृष्ट खिलाड़ी और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए उपयोगी निपुण कैलेंडर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया और विद्यार्थियों को पौधे वितरित कर अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित किया।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को औद्योगिक राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए सरकार का संकल्प भी है और स्पष्ट नीति और नियत भी है। उन्होंने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग बेहद जरूरी होते हैं। जिस देश या राज्य में उद्योग और निवेश आते हैं वहाँ अर्थव्यवस्था सुधरती है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री गुरुवार को विधानसभा में रीको के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार के दौरान अपना वक्तव्य दे रहे थे। कर्नल राठौड़ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर राजस्थान भी बनेगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक उन्नति के लिए नीति, नियत और दृष्टि का होना बेहद जरूरी है। अगर हमें वाकई में अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो उसके अंदर नीति, नियत और दृष्टि होना बहुत जरूरी है। और हमारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अभी से तय कर लिया है कि राजस्थान के अंदर हम सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेकर आएंगे। वैसे भी सूर्य देव की कृपा है राजस्थान के ऊपर, सोलर पावर है हमारे पास, पवन पुत्र हनुमान, हवा से कोई कमी नहीं है यहाँ पर। इन सब का फायदा हमारे को उठाना है। हमारे सदस्यों ने बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो रेट कम होनी चाहिए। हम कॉम्पिटिशन में भी हैं अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को मान लीजिए। राजस्थान दूसरे प्रदेशों के साथ मुकाबले में भी है। कोई बिजनेस लगाना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ वो बगल में भी लगा सकता है कहीं पर। इसलिए इस मुकाबले के अंदर हमारे को सस्ती जमीन देनी बहुत जरूरी है। तो लैंड कॉस्ट कम हो, इसके ऊपर हमारा चर्चा चिंतन चल रहा है। हमारी नई पॉलिसी हम तैयार कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम होगा अगर लैंड कॉस्ट कम होगी तो हमारे को जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उनको बढ़ावा देना है। उसके ऊपर भी पूरा सोच विचार चल रहा है किस तरह से, कितने समय के अंदर प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए। वहीं पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार डेयरी व्यवसाय के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के नेटवर्क का गांव-गांव तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेयरी में भ्रष्टाचार या मिलावट को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गुरुवार को विधानसभा में RCDF के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार के दौरान अपना वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डेयरी के विकास और पशुपालकों को आर्थिक सशक्त बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राज्य सरकार पशुपालकों के हित में बीमा योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी पशुओं का बीमा किया जाएगा। डेयरी में कहीं भी भ्रष्टाचार की बात आए या मिलावट की शिकायत आए तो निश्चित रूप से आप मुझे सीधे उसकी शिकायत करें और हमारी सरकार की मंशा के अनुरूप हम किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार और मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस संबंध में हम पूरी कार्रवाई करेंगे। चाहे अगला कितना भी प्रभावशाली आदमी है, उन लोगों को भी हम नहीं छोड़ेंगे और सख्त कार्रवाई करके उनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे। पशुपालकों के लिए बीमा योजना सरकार अभी लाने वाली है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम सभी पशुओं का बीमा करेंगे और इस संबंध में आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी योजना लाएंगे और वो आने वाले समय में सभी पशुपालकों को इसका फायदा मिलेगा। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि राज्य में हुई भारी बारिश से बनी स्थिति से आमजन को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने गुरुवार को शासन सचिवालय में VC के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स और सभी संबंधित विभागों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग आपदा के समय कोई जनहानि नहीं हो, इसके लिए जरूरी तैयारियों के साथ पूरी मुस्तैदी से काम करें। सभी विभाग आपसी समन्वय से स्थिति की निगरानी रखें और फील्ड ऑफिसर्स अलर्ट मोड पर रहें। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को आगामी दिनों में होने वाली संभावित भारी वर्षा के लिए सतर्क और तैयार रहने के साथ ही मौसम के पूर्वानुमानों की बारीकी से निगरानी करने और आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल भराव को रोकने और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए सभी अधिकारी समय समय पर निरीक्षण करें। साथ ही उन्होंने आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को तुरंत कार्यवाही कर आमजन को राहत पहुंचाने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।